नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। शाम 5:30 बजे की विशेष बुलेटिन में हम आपको राजस्थान के उन पहलुओं से रूबरू कराते हैं जो जनजीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इस सिलसिले को जारी रखते हैं। हम आपको सफर कराएंगे लो फ्लोर बसों की। इस सफर के दौरान हम आपको जयपुर में चलने वाली लो फ्लोर बसों के हर पहलुओं को दिखाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये बसें आखिर घाटे में क्यों चल रही हैं। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि इन बसों को चलाने वाले कर्मचारी और अधिकारी इन बसों को चलाने में हो रहे घाटे को उबारने में कैसे विफल हो रहे हैं। साथ ही इनकी क्या मजबूरी है। और इस सफर के अंत में ये भी आपको बताएंगे कि इस बस में यात्रियों को सफर के दौरान कैसा महसूस होता है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में लो फ्लोर बसें वहां की जनता के लिए लाइफलाइन है। जल्दी पहुंचना हो तो लो फ्लोर बसें सबसे उत्तम साधन है। जयपुर में 400 लो फ्लोर बसें चलती हैं, लेकिन JSTS की ओर से चलाई जा रही ये बसें घाटों से उबर नहीं पाती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यात्रियों की ओर से टिकट नहीं लेना है। यात्रियों की क्या बात करें, लो फ्लोर बसों में अपनी ड्यूटी पर जाने वाले सरकार के नुमाइंदे यानी पुलिस वाले भी टिकट तक नहीं काटते हैं, लेकिन ये बसें काफ़ी वर्दीधारियों में भरी पड़ी होती हैं। हमारे संवाददाता ने जब लो फ्लोर बसों का रियलिटी चेक किया तब ये सच्चाई सामने। हम खाकी वाले हैं, हम ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो फिर हमें किसी भी तरह से रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में लो फ्लोर में सवार खाकी वर्दी वालों की टीम रोज यही कहती है, और बिना टिकट लिए वो इन बसों में आराम से एसी का मजा लेते हैं और अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका सबूत भी तो होना चाहिए। तो लीजिए जनाब, हम आपको इसका सबूत भी दे देते हैं। हम आपको उस शख्स की जुबान से इस हकीकत को सुनवाते हैं जो रोज इन दबंग वर्दीधारियों की दबंगई को झेलता है। ये पुलिस वालों ने टिकट कभी नहीं लेते। क्या बोले आप? स्टाफ है। स्टाफ है? हमेशा ऐसे करते हैं क्या? एक स्टाफ पे ऐसा आया था, परसों की बात है, कि तू ज्यादा बड़ा नौकर हो गया क्या? एक मिनट में तेरी नौकरी बता दूंगा कैसे करता है। 5-4 दिन पहले बात है। पुलिस वाला दादागिरी करते हैं। हाँ तो सुना आपने, एक बस कंडक्टर इन पुलिस वालों से कैसे मुकाबला कर सकता है? पुलिस वालों की कड़क आवाज के आगे अपनी जुबां वो हर रोज बंद कर लेता है, और पुलिस वालों की मनमानी रोजाना इसी तरह से चलती रहती है। लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब हमारे संवाददाता लो फ्लोर बसों का रियलिटी चेक करने के लिए खुद इन बसों का सफर करने पहुंचे। अभी हम JSTS की बसों में यात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चेकिंग आ चुकी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से चेकिंग कर रही है। एक व्यक्ति का चालान भी काटा गया। सर, आपने क्या बस की टिकट नहीं ली थी? क्या टिकट नहीं ली आपने? क्यों टिकट क्यों नहीं ली? नहीं ली, भूल गया। भूल गए तो कंडक्टर नहीं थी? आप 100 रुपए की टिकट काट दिया ना रसीद। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इन्होंने यात्रा, आपने ली सर टिकट? क्यों नहीं ली? स्टाफ चलता है ट्रिप। पुलिस का स्टाफ कौन सा? सारी पुलिस नहीं है। पुलिस का स्टाफ कहाँ होता है? मतलब जनता के पैसा है, जनता की बस सर्विस चल रही है, कोई आपके घर से थोड़ी चल रही है। नहीं, घर से तो नहीं चली, लेकिन ट्रैफिक पुलिस, ये पुलिस मान्य है। अलाउड है क्या? अलाउड है। आपको किसने कहा ये चीज़ अलाउड है? तो कोई बस वाले लेते नहीं है, तो सब बस वाले नहीं लेते। आप देख सकते हैं कि बस सर ये करें, बस वाले नहीं लेते। आप ये तो करें, बस वाले नहीं लेते। नहीं नहीं, टिकट देते कहाँ है? बस वाले किसे मना किया? देते ही नहीं। ऑन ड्यूटी टिकट, ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी जा रहे हैं, वारंट लेके जा रहे हैं, वारंट वगैरह लेके जाते हैं, उसको वारंट से अलाउ करते हैं इनको सबको। इतनी बड़ी संख्या में वारंट लेके जा रहे हैं? नहीं पूछता हूँ, वारंट है आप लोगों के पास में? नहीं, वारंट नहीं। तो बिना वारंट के तो अलाउ नहीं है ना बस में? बिना वारंट के तो अलाउ नहीं है। आपको टिकट लेना चाहिए वारंट, और आपको वारंट से अलाउ किया जाता है बसों में बिना टिकट। ऐसे तो बिना टिकट अलाउ नहीं किया जाता आपको।
नहीं, बाहर हो चाहे अंदर हो, बाहर हो, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे हम चेकिंग करने पहुँचे हैं। तो रियलिटी चेक करने में कितनी बड़ी संख्या पुलिस के लोग बैठे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपनी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग यहाँ पे हो रहा है। जबकि पुलिस का ऐसा नॉर्म्स है कि जो भी यात्री है वो अगर कोई पुलिस का कोई वारंट लेके जाता है जब उसको अलाउड होता है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं कि कहीं ना कहीं वो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। साफ हमारे रियलिटी चेक में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुलिस वाले जिनको जो सरकारी संपत्ति का जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो दावे यहाँ पे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। रियलिटी चेक करने के वक्त लो फ्लोर बस पे अचानक चेकिंग हो गई, जिसमें बस कंडक्टर की उस बात पर मोहर लग गई जिसमें खाकी वाले रोजाना उसे धमका कर टिकट ना लेने से मना कर दिया करते थे। आलम तो ये है कि टिकट चेकर का भी पावर इन खाकी वालों के सामने फीका था। बस में टिकट चेक करने के दौरान चेकर सुरेंद्र भारद्वाज ने भी ये स्वीकार किया है कि पुलिस वाले टिकट लेने से एक सिरे से मना कर देते हैं। ऐसे में एक सरकारी विभाग के कर्मचारी दूसरे सरकारी विभाग के राजस्व को चूना लगाते देखे, जो कि हमारे संवाददाता के रियलिटी चेक के सामने आया है। लो फ्लोर बस के एसी बस में भी अभी चेकिंग चल रही है, जो यहाँ पर जो चेकर है उनसे बातचीत करते हैं। वो किस तरह से चेकिंग किस तरह से होती है? सर, प्रत्येक यात्री के टिकट देकर चेक किया जाता है। अब क्या क्या करते हैं? प्रत्येक यात्री से पूछा जाता है उनके टिकट लिया है कि नहीं, फिर उनकी डेस्टिनेशन पूछी जाती है, वो कहाँ जा रहे हैं और कितने रुपए का टिकट लिया है उनका। उसके बाद प्रत्येक यात्री का देखा जाता है, अगर सबके पास टिकट है तो कंडक्टर को ओके रिपोर्ट निकाल के दी जाती है और एक रिपोर्ट हमारे को लेते हैं। अगर ओके नहीं होती तो क्या करते हैं? उसके रिमार्क लगाया जाता है। क्या होता है रिमार्क? रिमार्क से उसके जैसे जितनी दो सवारी बिना टिकट है तो दो सवारी का रिमार्क, तीन सवारी तो तीन सवारी का रिमार्क लगाया जाता है। जी, रिमार्क लगाया जाता है, उसके ऊपर भी विभागीय कार्यवाही होती है, जो आज भी एक्शन लिया जाता है, डिसिप्लिन में एक्शन लिया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर कोई लो फ्लोर बस में बिना टिकट यात्रा करता है तो इस तरह की चेकिंग होती है और रिमार्क लगाया जाता है, उसकी कार्रवाई की जाती है डिसिप्लिनरी एक्शन के विभाग की ओर से। पुलिस वालों की दबंगई बस कंडक्टर पर तो रोजाना चल रही थी, लेकिन जब मीडिया के सामने चेकिंग हुई तो आपने देखा किस तरह से उसकी घिग्गी बंद गई। हालांकि शुरुआत में तो उन्होंने स्टाफ शब्द का सहारा लेकर हमारे संवाददाता को घेरने की कोशिश की, लेकिन जरा ये भी सुनिए। तो वारंट है आप लोगों के पास में? नहीं, वारंट तो बिना वारंट के तो अलाउ नहीं है ना बस में, बिना वारंट के तो अलाउ नहीं है। आपको टिकट लेना चाहिए वारंट, और आपको वारंट से अलाउ किया जाता है बसों में बिना टिकट, ऐसे तो बिना टिकट अलाउ नहीं किया जाता आपको। टिकट चेक करने वाला ये बोल रहा है कि ये टिकट नहीं लेते। लो फ्लोर बसों के टिकट चेकर सुरेंद्र भारद्वाज ने भी अपना रोना रोया था, क्योंकि पुलिस वालों से कोई पंगा कैसे ले सकता है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने लो फ्लोर बस चालन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली। लो फ्लोर बस जयपुर सिटी की लाइफलाइन मानी जाती है, ऐसे में सुरेंद्र भारद्वाज जी हैं जो ट्रैफिक मैनेजर हैं लो फ्लोर बस के। सर, आप ये चेकिंग कब कब करते हैं, रैंडमली करते हैं, क्या इसका आपके रूपरेखा बनाते हैं इसके लिए? नहीं, चेकिंग हमारी डेली चलती है, सुबह मॉर्निंग 6 बजे लेकर रात को 10 बजे तक। हमने दो फ्लाइंग बना रखी है यहाँ पर, जो दो शिफ्ट में काम करती है, एक जनरल शिफ्ट में 3 शिफ्ट में काम करती है, और मैं भी वीक में 3 दिन या रैंडमली जब भी मेरी होता है इनके साथ आता हूँ और इन बसों को चेकिंग करते हैं। बिना टिकट वगैरह कोई पैसेंजर मिलते हैं उनकी, हमारे पास 100 रुपये पेनल्टी काटने का है, 100 रुपये की इनकी रसीद काटते हैं और उनको रसीद देते हैं उन्हें स्पॉट पर ही। और अगर किसी कंडक्टर ने पैसे ले लिए और टिकट नहीं दिए उसने, तो उसके हम वकादा रेड मार्क अंकित करते हैं, उसके बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, उस पर उनकी नौकरी भी जा सकती है, इनकी मेरिट भी रुक सकते हैं, सारे काम होते हैं। जयपुर सिटी की बात करें तो ये किस किस रूट पर जाती है, कितनी बसें हैं, सारा कुछ बताइए। जयपुर में अभी 28 रूट पर हमारी लोकल बसें चल रही हैं, और जिसमें मैन टोंग रोड पे हमारी ज़्यादा बसें हैं क्योंकि यहीं ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहता है। बाकी वो जयपुर में करीब करीब हर तरफ हमारे बस जा रही है, बस्सी, चाकसू और उधर बगरू। 400 बसें टोटल 408 बसें हैं हमारे पास अभी। एसी कितनी है इसके अंदर? एसी 60 बसें एसी है हमारी, 60, और जो ग्रीन जो देख रहे हैं आप फ्रंट इंजन वाली है 60 बसें वो है, बाकी रेड कलर की बाकी रेड है 20 बस और मिनी बस है। जयपुर शहर में ट्रैफिक बड़ा रहता है तो मिनी बस कहाँ कहाँ पे चल रही है, सिटी में चल रही है? मिनी बस वाल सिटी के अंदर प्लान कर रखी है, गलता गेट से लेके पूरी सिटी को रेलवे स्टेशन करके फिर उसको चला रहे, वाल सिटी प्रेफर दे रखी है। अभी चल रही है या चल गई? नहीं, चल रही है, जो हमारी 20 बसें हैं
उनमें से 18 बसें अभी चल रही हैं हमारे पास। रेवेन्यू कितना आता है इन बसों से? रेवेन्यू टोटल जो एवरेज 20 लाख के आसपास है पर डे का पूरी बसों का। तो ये थे मैनेजर ट्रैफिक जो खास बातचीत की, जिनका कहना है कि 20 लाख के आसपास ये बसें आती हैं और 20 लाख कहीं ना कहीं रेवेन्यू प्राप्त होता है। 2 लाख पैसेंजर दोनों दिल्ली के यात्रा करते हैं इन बसों से। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, कई लोगों को यहाँ समस्या हो रही है इन बसों में, वो कब तक सॉल्व हो पाती। इस पूरी कहानी में पुलिस वालों के साथ वो लोग भी राजस्व के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं, जो बस में चढ़ तो लेते हैं लेकिन टिकट लेना उनकी शान के खिलाफ है। ऐसे लोग 100 रुपए का चालान कटाना तो पसंद करते हैं लेकिन रोज टिकट कटाना उन्हें मंजूर नहीं है। शायद वो ही हिसाब लगाते होंगे कि अगर हफ्ते में एक दिन वो बेटिकट यात्रा करते पकड़े जा रहे हैं, 100 रुपए का आर्थिक दंड देने से कम ही है, क्योंकि पूरे हफ्ते में वो बड़े आराम से बिना टिकट यात्रा कर सस्ते का सौदा करते हैं। लेकिन इन लोगों को जरा भी इल्म नहीं है कि ऐसा करके वो राजस्व का कितना नुकसान कर रहे हैं। जयपुर से जितेश जेठानंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो इंडिया न्यूज की पड़ताल में और भी है बहुत कुछ, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक।